देश के वो सियासी दल जिसने मौका देकर बदल लिया पाला। भारतीय राजनीति के 9 सबसे बड़े अवसरवादी दल आखिर कौन कौन है? आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लिहाजा देश के 2 सबसे बड़े सियासी दल बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने कुनबे को मजबूत करना शुरू कर दिया है। देश में करीब 35 ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव से पहले या तो बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से या फिर कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन की हैं। लेकिन इनमें से 9 ऐसी भी हैं जो 2 धूर विरोधी गठबंधनों के बीच बेरोक टोक चुनाव पूर्व समझौता करती हैं। अगर 4 लोकसभा चुनावों से जुड़े आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस फहरिस्त में तमिलनाडु की 4 प्रमुख दल डीएमके, एडीएमके, पीएमके और एआईएडीएमके पहले पायदान पर हैं। ये पार्टियां लगभग सभी गठबंधन यूपीए और एनडीए के अलावा तीसरे मोर्चे तक से सीटों का समझौता कर चुकी हैं। समझौते के बाद अगर चुनावी नतीजे ठीक नहीं आए तो अगले चुनाव में ये पार्टियां दूसरे गठबंधन का हिस्सा बन जाती हैं। अब बात पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी की, जिसने 1999 और 2004 का चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन इसके बाद ममता ने 2009 के चुनाव में यूपीए से हाथ मिला लिया। इसके बाद साल 2014 में टीएमसी किसी के साथ नहीं गई, मगर साल 2019 के चुनावों के लिए एक बार फिर गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही हैं। वहीं गठबंधन में आने जाने को लेकर एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान को विरोधियों ने मौसम विज्ञानी जैसा खिताब दे डाला है। एलजेपी साल 2004 में यूपीए के साथ चुनाव लड़ी, इसके बाद पार्टी ने साल 2009 का चुनाव लालू यादव और एसपी के बनाए गए तथा कथित चौथे मोर्चे के साथ चुनाव लड़ा, मगर साल 2014 के चुनाव में वो बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में जा पहुंची। इस तरह अजीत सिंह की आरएलडी दोनों विरोधी गठबंधन के बीच झूलने वाली पार्टी रही है, लेकिन उसका दुर्भाग्य रहा है कि उसने जिसके साथ चुनाव लड़ा वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाया। साल 1999 में आरएलडी ने यूपीए का तो साल 2009 में एनडीए का हाथ थामा। इसके बाद आरएलडी साल 2014 में फिर से यूपीए के साथ आई। इन दलों से इतर महाराष्ट्र में गठबंधन बदलने में रामदास अठावले की आरपीआई भी कम नहीं है। साल 2004 और साल 2009 में वो यूपीए का हिस्सा रही, लेकिन साल 2014 में एनडीए के साथ जुड़ गई। इस तरह नॉर्थ ईस्ट की अरुणाचल कांग्रेस भी, जो चुनाव पूर्व में इन दोनों गठबंधनों को आजमा चुकी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।